आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक रिंग, ठीक है। पिक्चर तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक डायमंड लिया, ठीक है। मैं जेम लोडर में गई, मैंने यहाँ से ले लिया 2.5 का डायमंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना स्केयर बॉक्स बनाना है और उसमें ना फ्रंट व्यू से यू कट लगाना है। इस तरह का कोलेट मुझे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जितना मेरा डायमंड है 2.5 का, उतना ही मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ से मैंने लिया सेंटर 0 एंटर, 2.5 एंटर, 2.5 एंटर, ठीक है। अब मैं इससे अंदर की तरफ ऑफसेट लगा लूंगी, यहाँ तक मिनिमम, यहाँ तक मैं ऑफसेट लगा लूंगी इसका, ठीक है। ये लाइन दिख रही है ना, ये बीच में ये बना हुआ है, जो यहाँ तक इसका ऑफसेट लगा लूंगी, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ पे ऑफसेट लगाया, ये मेरा यहाँ पे है 0.4, तो मैंने इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे 0.6 कर दिया मैंने, ठीक है। लगभग मैंने यहाँ तक इसका ऑफसेट लगा लिया, ठीक है। अब मैं इसका बाहर की तरफ ऑफसेट लगाऊंगी 0.3 का, ठीक है। ये यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, तो मेरा यहाँ पे ना 0.9 का प्रोंग निकलेगा, ठीक है। अब मैं इस बीच वाली लाइन को कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है और फ्रंट व्यू में आना है या प्रोस्पेक्टिव व्यू में आना है। यहाँ पे मैं करूंगी सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट नीचे की ओर -2 एंटर, ठीक है। ये मेरा बॉक्स बन गया इस तरह से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फ्रंट व्यू से इसमें यू कट लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई फ्रंट व्यू में, डायमंड को मैं इसके नीचे लेके आऊंगी, जो मेरा पॉली सरफेस है ना, इसके यहाँ पे रखना है मेरे को डायमंड को, यहाँ तक, ठीक है। पे रखा मैंने इसको और मैंने यहाँ पे यू कट वाला बनाना है। तो मैं यहाँ से लाइन लूंगी, देखो इस वाले एंड पॉइंट से ये दिख रहा है ना, और इस वाले एंड पॉइंट तक लाइन ली मैंने, तो ये मेरे पास लाइन आ गई यहाँ से यहाँ तक। इसको मैंने यहाँ से ऊपर कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वाला कमांड लिया मैंने, आर्क कमांड, थर्ड नंबर वाला, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से यू बना दिया मैंने और इस सब को मैंने ज्वाइन कर लिया। ये मेरे को लगभग 1 mm तक कट करना है, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लेके आऊंगी। ये पूरा जो बॉक्स होता है ये हमारा 1 mm का होता है, तो मैं इसको यहाँ से गम बोल की हेल्प से इसको बड़ा कर लूंगी। इसको मैं यहाँ तक लूंगी, ये मेरे को 1 mm तक कट करना है, ऊपर का तो कोई कट नहीं होएगा, ठीक है। इतना मैंने इसको बढ़ा के कर लिया। अब मैंने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आना है और इसको कर देना मैंने सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट। मैं बोथ साइड यहाँ से यस करूंगी और इस तरह से, ठीक है। अब सेम मेरे को यहाँ से कट करना है और सेम मेरे को यहाँ से कट करना है। तो मैं टॉप व्यू में आऊंगी, इस वाले पॉली सरफेस को ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी हो जाता है और शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने यहाँ से सीधा कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आऊंगी, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी अलाइन सेंटर 0 एंटर, ठीक है। देखो प्रोस्पेक्टिव व्यू में बन गया ये मेरा इस तरह से। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहां से मैंने इसको बूलियन डिफरेंस कर दिया, देखो कट हो गया मेरा। देखो ये मेरा प्रोंग जो बना है ये पूरा डायमंड के ऊपर तक आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसकी सेटिंग होगी। आप प्रोंग देख सकते हो, प्रोंग यहाँ पे कितना निकला है। इसको मैंने यहाँ से शेडेड कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे देखा, ये मेरा 0.9 ही है ये, ठीक है। अब मैंने इस पूरे को क्या करना है, यहाँ से ग्रुप कर लेना है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ले आई ग्रुप करके, एक मैं यहाँ पे लेके आई, यहाँ पे रखा मैंने इसको और थोड़ा सा इसको ऊपर रखा, थोड़ा सा स्पेस आए ताकि वो दिखे रिंग में, जी गोल्ड मिरर, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा इस तरफ किया, मेरे को बिल्कुल हल्का सा स्पेस चाहिए, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, दूसरी तरफ मिरर कर दिया, ठीक है।
इतना ही रखूंगी मैं इसको, ठीक है। ये बन गया मेरा इस तरह से। अब ये अलग अलग है ना, मैं इन सबको ज्वाइन करने के लिए नीचे यहाँ पे पॉली सरफेस बना दूंगी, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से उल्टा किया, एक सिंगल लाइन ली इस एंड पॉइंट से, इस एंड पॉइंट से, इस एंड पॉइंट से, इस एंड पॉइंट पे, और वापस मैंने यहीं पे इसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पैच, ठीक है। इसको करूंगी इसका ऑफसेट, सॉरी ऑफसेट सरफेस करना था। इसको मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको 1 mm लेके रखती हूँ, बाकी दिन के हिसाब से देखेंगे, हम इसको और नीचे करना होगा तो और नीचे कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे किया 1 enter enter, ठीक है। तो ये 1 mm का पॉली सरफेस आ गया। नीचे इसको मैं 0.1 अप कर देती हूँ ताकि ये इसमें मर्ज हो जाए, ठीक है। बन गया ये मेरा ये पार्ट यहाँ पे। अब मैंने इसको कर लेना है यहाँ पे पूरे को ग्रुप, ठीक है। अभी रिंग का, अभी रिंग बनाएंगे हम, ठीक है। अभी मैंने इसको, ये रिंग का टॉप पार्ट बन गया मेरा, इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से फ्रंट व्यू में आती हूँ और मैंने यहाँ से रिंग रेल लिया, रिंग मैंने यहाँ से ली 20 mm की, ठीक है। ये मेरी रिंग रेल आ गई यहाँ पे। अब मैं जेंट्स रिंग है ये, तो नीचे से रिंग की हाइट मैंने ली 1.5 की लाइन लगा ली, और ऊपर से मुझे रिंग की हाइट चाहिए 3 mm, 3 enter, शिफ्ट प्रेस करके 3 mm की लाइन लगा ली। उसके बाद मैंने यहाँ से लिया सर्कल 2 points वाला, जो ये लाइन लगा थी इसका एंड पॉइंट, और जो 3 mm की लाइन लगाई थी इसका एंड पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैं फ्लो अलोंग कर्व से बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से लाइन निकाल लूंगी, ठीक है। तो मैंने इसकी जो बाहर वाली है, जो ये कर्व मेरी, इसकी मैंने यहाँ से लेंथ निकाल लेनी है, कितनी है लेंथ है इसकी। मैंने इस लेंथ को यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है। एक सिंगल लाइन लेनी है और यहाँ पे जो मेरी लेंथ है उसको पेस्ट कर लेना है, उतनी ही मैंने यहाँ पे लाइन लगा देनी है, ठीक है, जितना इसका डायमीटर है। अब मैंने इन दोनों का मेरा कोई काम नहीं है, ये वाला कलर दिया और यहाँ पे इनको हाइड करके रख लिया। इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आऊंगी, अलाइन सेंटर 0 enter, ठीक है। अब मैं टॉप व्यू में करूंगी सारा काम जो भी मैं करूंगी। अब मेरी जो वो जो मैंने बनाया था उसको मैंने यहाँ से अनहाइड कर लेना है, ठीक है। इसके एंड पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट तक एक लाइन लगा ली मैंने, ठीक है, इतनी। अब वापस से मैंने इसको, ये अलग अलग कैसे हो गया मेरा, अच्छा ये सर्कल हाइड हो रखा था क्या, इसको मैंने यहाँ से हाइड कर दिया, ये मेरी लाइन आ गई। अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया मिड पॉइंट से, और इस एक लाइन मैंने यहाँ पे रख लगा देनी है और राइट क्लिक कर देना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लूंगी, ये मेरी कितनी है, ये मेरी 1 box 1 2 3 4 5 6, ये मेरी 6 point something है, 6 mm से ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से छोटा कर लूंगी, तो मैंने इसको यहाँ से इतना इतना छोटा कर लिया, कंपल से इसको छोटा किया तो ये दोनों तरफ से एक जैसा छोटा होगा, ठीक है। अब मैंने एक सिंगल लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा ली, ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा ली, ठीक है, क्योंकि जो रिंग की शेप होती है वो ऐसे ही होती है, ऊपर से ऐसे और फिर ये हल्का 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 ऐसे टेपर होते जाती है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, स्विप टू से सरफेस बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे किया स्विप टू, फर्स्ट रेल सेकंड रेल, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन सेकंड क्रॉस सेक्शन एंटर, ओके,
मैं एक काम कर देती हूँ, इस लाइन को भी यहाँ से हाइड करके रख लेती हूँ। इन दोनों को मैंने ऑन किया, इस लाइन को मैंने यही वाला कलर दिया और हाइड करके रख लिया। अब मेरा ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब मेरे को सारा शैंक पार्ट पे काम करना है। ये मेरे रिंग का जो है शैंक पार्ट है, उसको हम बाद में सर्कल के ऊपर फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अंदर डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से कट कर लूंगी। जो इसकी बाउंड्री होती है वो मिनिमम हम 0.5 तक रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 0.7 रख रही हूँ। तो मैंने ये लाइन सेलेक्ट की और मैंने इसका ऑफसेट लगा लिया अंदर की तरफ 0.7 एंटर, ठीक है। सेम मैंने यहां से भी 0.7, यहां से मैं थोड़ा ज्यादा लगा लेती हूँ, यहां से मैं 1 mm तक लगा लेती हूँ, ठीक है। और नीचे से जो मैं अपना डिजाइन है ना, वो इसके लगभग 80 पार्ट पे बनाऊंगी, 20 पार्ट मैं यू का यू रखूंगी मेटल पार्ट। तो मैंने इसका यहाँ पे ऑफसेट लगा लिया 0.8 करके, देखती हूँ कहाँ तक आ रहा है। 0.8 नहीं, सॉरी 8 mm करना था, 8 एंटर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। मुझे डिजाइन मेरा यहीं तक इतना बनाऊंगी मैं, ठीक है। अब मैंने इन सारी लाइनों को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं इनको ट्रिम कर दूंगी। मैंने यहां से लिया ट्रिम का कमांड, इसको मैंने यहां से ट्रिम कर दिया। ये जो बीच का पार्ट कट किया है ना, इसके ऊपर हम अपना डिजाइन बनाएंगे और ये बाकी का जो यहाँ पे रहेगा ये बॉर्डर रहेगा, तो ये मैंने बॉर्डर छोड़ दिया है। नीचे से पूरे पे हम जाली नहीं बनाएंगे, नीचे से यहाँ पे मेटल रखेंगे हम पूरा। अब मैंने इसको यहाँ पे एंटर करके इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट कर लूंगी इस वाले के साथ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे किया स्प्लिट, इस कर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, ठीक है। ये मेरा अलग से सरफेस हो गया और ये मेरा अलग से सरफेस हो गया। अब इस सरफेस को मैंने ये वाला कलर दिया, चलो ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। अभी फिलहाल मेरा जो काम है वो सारा इसका काम है, ठीक है। इसका मैं पहले तो यहाँ से इसको मैंने सरफेस को डिलीट ही कर लिया, क्योंकि हैच पैटर्न है ना, वो सरफेस पे नहीं, वो कर्व लाइन पे आता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो जो मेरी हैच की फाइलें हैं वो डाल लेती हूँ। ये हमें जब भी हमें हैच की फाइलें चाहिएंगी ना, हमें दोबारा से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो हमारी चली जाती है, वो हमें हर बार ही इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ से सेटिंग में जाऊंगी, इसमें जाके यहाँ पे मैं हैच पे जाऊंगी और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगी अपनी हैच की फाइलें, क्योंकि इसमें से थोड़े से हैच के पैटर्न है बट मुझे ज्यादा पैटर्न चाहिए। ओपन किया मैंने इसको, ओके किया, यस टू ऑल किया, इंपोर्ट, इंपोर्ट तो हो गया, सॉरी दोबारा से हो गया, इसको कर देती हूँ मैं, ओके, यस टू ऑल, ओके, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहां से मैं जाऊंगी डायमेंशन में, मिलेगा मुझे हैच, हैच में जाऊंगी, तो ये देखो मेरी कितनी सारी फाइलें आ गई। अभी मुझे यहाँ से चाहिए ये वाला पैटर्न, नीचे नीचे ये वाला पैटर्न चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये वाला पैटर्न यहाँ पे कर दिया, ओके, ठीक है। एक बारी के लिए मैं इसको यहाँ पे, इसको मैंने ये कलर दिया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया एक्सप्लोर, ठीक है। एक बारी के लिए मैं इनके जो गैपिंग है वो देख लेती हूँ कितनी है, 0.5 है, ठीक है, 0.5 मेरा आराम से बन जाएगा, ये 0.5 है, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको कर दूंगी PATCH पैच, ठीक है। अब मैं इस सरफेस को इसके साथ स्प्लिट कर लूंगी, ठीक है, सरफेस के साथ, मतलब ये कर्व लाइन में इसके सरफेस के साथ स्प्लिट कर लूंगी।
ये मेरी सारी अलग अलग लाइनें आ गई है, इसलिए मैंने इनका अलग कलर कर लिया था ताकि एक बार ही सिलेक्ट करूं, ये सारी कर्व लाइन मेरी सिलेक्ट हो जाए। तो मैंने करना है सरफेस को सिलेक्ट, यहाँ से स्प्लिट का कमांड लेना है, ये सारी कर्व लाइन सिलेक्ट करनी है और एंटर कर देना है। तो मेरा ये जो सरफेस है ना, ये सारा अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से डिलीट डिलीट, जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने डिलीट कर देना है। ठीक है, तो नन ये डिलीट 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 डिलीट। ठीक है, ये मेरे पास सरफेस आ गया। अब मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाती हूँ। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो मैं इसका यहां से ऑफसेट सरफेस करके देखती हूँ। ऑफसेट सरफेस क्या किया मैंने यहाँ पे नीचे की ओर, बोथ साइड चेक करती हूँ एक बारी, बोथ साइड नो है, 1 mm लिखती हूँ मैं, 1 एंटर एंटर। देखो ये क्या किस तरह से हुआ, ये ठीक नहीं हुआ है मेरा, तो ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं तो दूसरे तरीके से करूंगी, इसको कंट्रोल जेड करूंगी, यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करूंगी, सॉलिड में जाऊंगी, यहाँ से करूंगी एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट, अब हो जाएगा ये मेरा। नीचे की ओर लूंगी मैं यहाँ पे -1 एंटर। देखो ये हो गया मेरा, इसमें ऊपर भी एक सरफेस रह जाता है इससे करते हो तो आप, तो इस सरफेस को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी। ठीक है, मुझे लगता है मेरा इन कर्वों का कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से करूंगी सिलेक्ट सिलेक्ट कर्व और इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी। ठीक है, अब जो मेरा सरफेस था वो मैं, अच्छा सरफेस तो मैंने यहाँ पे लॉक किया था, इसको मैंने अनहाइड कर लिया। ठीक है, इस सरफेस को मैंने करना है यहाँ से ऑफसेट सरफेस, नीचे की ओर किया मैंने इसको -4 एंटर एंटर, ऊपर की ओर हो गया क्या ये, कंट्रोल जेड, अच्छा माइनस नहीं करना था मैंने उसको क्योंकि एरो के निशान नीचे है, एंटर। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये मेरा बिल्कुल इसके बराबर है। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेना है तो मैंने इसको कर दिया ऐसे -0.1, ये मेरा लाइट सा बिल्कुल यहाँ से नीचे हो गया। ठीक है, ये बन गया मेरा डिजाइन यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, इसको मैंने यहाँ पे प्लास्टिक कर दिया। ठीक है, देखो अब मेरे को बस इसको फ्लो फ्लो कराना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपनी कर्व लाइन मैंने यहाँ से हाइड की थी, उनको अनहाइड कर लिया। ठीक है, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाऊंगी मैं ट्रांसफॉर्म में, ऐसा ट्रांसफॉर्म में फ्लो अलोंग कर्व, इस लाइन के मैं इस तरफ क्लिक करूंगी तो इस सर्कल के भी इसी तरफ क्लिक करूंगी, लाइन के इस तरफ क्लिक करूंगी तो इसके भी इसी तरफ क्लिक करूंगी, नहीं तो ये उल्टा हो जाता है मेरा। तो लाइन के इस तरफ क्लिक किया और सर्कल के भी इसी तरफ क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से ये वाला कलर दे के और हाइड करके रख लिया, क्योंकि बाद में चेंज वगैरह करने हैं तो कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है हमें। ठीक है, देखो ये इतना सुंदर पैटर्न बना है मेरा, ने वो जो था मेरा टॉप पार्ट उसको मैंने अनहाइड कर लेना है। ठीक है, फ्रंट व्यू में आना है, इसको मैं यहाँ से ऊपर रख लेके आऊंगी, यहाँ पे रखूंगी इसको, प्रोस्पेक्टिव व्यू से चेक करूंगी, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया। फ्रंट व्यू
थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ, हल्का सा मैंने इसको नीचे लिया इतना, ठीक है। देखो अब मेरा जो ये पार्ट था ना, इसको मैं बढ़ा लूंगी यहाँ से। इसको मैंने किया अनग्रुप, ये मेरा अलग हो गया। इसको मैंने यहाँ से कर दिया ट्रांसफॉर्म में, यहाँ से कर दिया मैंने सॉलिड पॉइंट्स ऑन, और फ्रंट व्यू में आके इसके ये नीचे वाला पॉइंट पकड़ने हैं बस मैंने, और इनको यहाँ पे नीचे ले आना है। ये पॉली सरफेस बढ़ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसके पॉइंट्स ऑफ कर दिए। आप देख सकते हो ये पॉली सरफेस बढ़ गया मेरा, ठीक है। अब मैंने इसको पहले कट कर लेती हूँ मैं, ठीक है, बाद में मिरर कर लूंगी इस वाले को मैं दूसरी तरफ, पहले मैं इसको कट ही कर लेती हूँ। तो मैंने इसको सर्कल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने अंदर वाले सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको किया सॉलिड, एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, बोथ साइड है, ठीक है। इसका मैंने यहाँ से ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। अब मैंने इस ऑरेंज वाले कलर को सिलेक्ट किया पूरा, और इस ग्रीन वाले कलर को सिलेक्ट किया पूरा, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया बूलियन डिफरेंस, और एंटर कर दिया। ये कट हो गया मेरा, मतलब ये मेरा ऐसे कट हो गया ना, जैसे नीचे से मुझे 1.5 की हाइट चाहिए थी, तो ये मेरा 1.5 आ गया, और ऊपर से 3 की चाहिए थी, तो ये उस हिसाब से मेरा कट हो गया, ठीक है। अब मैंने इस वाले पार्ट को वापस से यहाँ पे ग्रुप किया, और इसको मैंने जी गोल्ड में जाके दूसरी तरफ मिरर कर लिया, ठीक है। ये बन गई मेरी रिंग, देखो कितनी सुंदर रिंग बनी है यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया, ठीक है। आप फ्रंट व्यू में आगे देख सकते हो, देखो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया चीन, देखो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको आपने यहां से नीचे से हल्का सा टेपर करना है, और टेपर करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.7 की बाउंड्री छोड़ दी है। हम मिनिमम इसको 0.5 रख सकते हैं, इसको कम करेंगे तो हम ये बाउंड्री भी हमारी कम हो जाएगी। अगर आपको इसको नीचे से हल्का सा थोड़ा सा और कम करना है, तो हमने राइट व्यू में जाना है, यहाँ से हमने लेना है केज एडिट, और बिल्कुल मिरर सा यहाँ से इसको कम कर देंगे, वापिस से प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके देखेंगे। हो गया ये, इस बॉक्स को मैंने यहां से डिलीट कर दिया, ठीक है। ये रिंग मेरी कंप्लीट है यहां से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।